कैसे हैं आप? बढ़िया एकदम। तो दोस्तों हम आए हैं दादी के घर में। दादी ने दाल बनाई है बढ़िया एकदम, आप यकीन नहीं मानोगे, मजा आ गया। मतलब लसलसादार, चटपटा, एकदम जबरदस्त, जायकेदार। कहते हैं अगर आप लोग डेली सनराइज और सनसेट व्यू देख पा रहे हैं, एंजॉय कर पा रहे हैं, तो आपसे लकी दुनिया में कोई नहीं है। हे गाइस, आई एम हिमांशु एंड आई एम अ ट्रैवल व्लॉगर। और आज हम लोग आए हुए हैं एक ट्रैक पे जो कि उत्तराखंड में है। हम लोग अभी पंतवारी विलेज पे हैं, वहाँ से हम लोगों ने ट्रैक स्टार्ट कर दिया है नाग तिब्बा के लिए, नाग तिब्बा पीक के लिए। हमारे गाइड जो है संजय जी हैं। संजय जी, यहाँ से कितना किलोमीटर है अभी? अभी तो हम यहाँ से मुश्किल से 500 मीटर आए होंगे। अच्छा, तो अभी बेस कैंप और जाना है। 3.5 किलोमीटर है बेस कैंप यहाँ से, और उसके बाद कितने किलोमीटर का ट्रैक बचता है? आज रात को यहीं रुकेंगे, कल सुबह 5 किलोमीटर और ट्रैक करेंगे वहाँ से। चलो, बेस कैंप से 5 किलोमीटर और है जो नाग तिब्बा समिट पे जाएगा, ठीक है। और हमारे साथ क्या नाम है आपका सर? रंजन शर्मा। रंजन शर्मा जी मिले हैं जो कि सोलो ट्रैवलर है, और हमें रैंडमली यहाँ पे मिले, वो भी सेम ट्रैक कर रहे हैं, तो साथ में ज्वाइन कर लिया। कहाँ से आए हो? फरीदाबाद से। फरीदाबाद गुड़गांव से आए हुए हैं, साथ में ही हैं इधर से सारे लोग। एकदम मजेदार ट्रैक चल रहा है, कैसा मजा आ रहा है? अभी मजा आएगा, आगे मजा आएगा। चलो लेट्स, मजा आया। चलो चलते धीरे धीरे और मजे लेते हैं प्रकृति के। बेसिकली हमने होली का दिन चुना है ट्रैक के लिए, बिकॉज अभी लोग भी बहुत कम होते हैं और शांति रहती है, ज़्यादा भसड़ नहीं रहती है। और सो गाइस, एक चीज़ और मैं बताना भूल गया आप लोग को। आप लोगों ने मेरे लास्ट अलवर सीरीज और भूटान सीरीज में करण को मेरे साथ देखा होगा, आज उसका छोटा भाई सील मेरे साथ आया हुआ है। हेलो भाई सील, कैसा चल रहा है ट्रैक? बस अभी तो केवल 500 मीटर हुआ है, देखिए आगे कैसा चलता है। और अराउंड 500 मीटर ही ट्रैक हुआ है और सील को लग रहा है कि आधा ट्रैक हो चुका है, जबकि 3 किलोमीटर और आगे चलना है। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है और मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ, क्योंकि काफ़ी दिनों बाद मैं ट्रैकिंग कर रहा हूँ। तो जितना हो सके उतना आप लोगों को यहाँ के व्यूज़ वगैरह दिखाऊंगा। सो गाइस, चलते चलते हम लोगों ने अराउंड 1.5 किलोमीटर कर लिया है। लकीली धूप तेज नहीं है, बादल लगे हुए हैं, तो आराम से चल रहे हैं रुक रुक के। और अभी अराउंड 4 किलोमीटर्स और रहता है, तो अभी चल रहे हैं धीरे धीरे और मज़ा आ रहा है। सही मौसम है, ट्रैक थोड़ा सा चढ़ाई है, बट नॉर्मल ट्रैक है, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा ऑफ रोड है, थोड़ी चढ़ाई है, एकदम सही भी नहीं है, ऑन एन एवरेज है। अगर आप लोग ट्रैक स्टार्ट कर रहे हो तो खाना वाना हल्का खा के आए और थोड़ा गैप बना के आए खाना खाने के बाद, बिकॉज खाना खाने के बाद एकदम से ट्रैक करो तो पेट में दर्द वगैरह स्टार्ट हो जाती है, वॉमिटिंग भी हो सकती है। सो गाइस, हम लोग पहुंच गए एक जगह जहां पे धार आ रही है पानी की। सो पहाड़ों में बेसिकली क्या होता है कि ओपनली ऐसे पानी वगैरह ऊपर बांज के पेड़ों से और जो भी तरह तरह के पेड़ होते हैं जहां से जिनकी जड़ों से पानी निकलता है, पानी आते रहता है, और ये बहुत ही प्योर और बहुत ही अच्छा पानी होता है, और पीएच लेवल इसका काफ़ी अच्छा होता है, 7 के आसपास होता है, जो कि काफ़ी अच्छा माना जाता है। और साथ ही साथ मैं आप लोगों को एक चीज़ और दिखाता हूँ, जैसे कि हम लोग उत्तराखंड में आ ही गए हैं तो बचपन की याद आ गई, जब हम लोग शैतानी करते तो हमारे पेरेंट्स ये लगा देते, जैसे पिच्छू बोलते हैं, तो ये जो इसके पत्ते होते हैं इसमें कांटे होते हैं, और जैसे ये लगता है तो ऐसी झंझनाहट होती है, 24 घंटे तक जाती नहीं है। तो अगर आप लोग पहाड़ से हो तो आपको पक्का पता होगा इसके बारे में। We don't use plastic and we are fantastic. So guys, जब भी आप लोग ट्रैक वगैरह कर रहे हो तो कम से कम प्लास्टिक का यूज़ करें, मैं तो बोलो बिल्कुल ना करें, और जो भी कूड़ा कर रहे हो वो अपने बैग में रख के चले, ट्रैक में कूड़ा ना करें, बिकॉज इससे क्या होता है आसपास का इन्वायरमेंट भी ख़राब होता है, और प्लस जहाँ आप जा रहे हो वहाँ गंदगी फैलती है। बहुत ही अच्छा कोड यहाँ पर लिखा हुआ था जो आपने अभी देखा, वी डोंट यूज प्लास्टिक एंड वी आर फैंटास्टिक, सो बी फैंटास्टिक एंड डोंट यूज प्लास्टिक। पेड़ पाको बारमासा, अरे यार ये क्या बात है, थोड़ा एक लगाओ यार, थोड़ा जैकेट तो नीचे रखो, थोड़ा ऐसे शर्मा क्यों रहे हो यार, तुम अच्छी है। पेड़ पाको बारमासा, ओ नर कपर पाको चैता तेरी छेला, अरे यार दादी कैसी बात कर रहे हो यार। तो गाइस, फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं बेस कैंप पे, और इधर साइड जो है हमारा
इधर हमारा एरिया जहाँ पे हमें कैंप पिच करना है, और इधर साइड जो है इधर से हमारा जो नाग तिब्बा का ट्रैक है वो स्टार्ट होता है। यहाँ पे गेट भी बनाया हुआ है, लिखा हुआ है प्रवेश द्वार नाग तिब्बा पैदल मार्ग। तो कुछ कैंप्स जो है इसके अंदर लगते हैं और कुछ कैंप्स यहाँ लगते हैं। लोगों ने यहाँ पे जमीन अपनी ले रखी है रेंट पे, जो वेंडर्स होते हैं। हम लोग तो अपना टेंट लेकर आए हुए हैं। अगर आप लोग किसी वेंडर के थ्रू आते हैं तो वो आपको अपने जो भी इन्होंने यहाँ पे व्यवस्था करी हुई है उसमें रुकाते हैं। और अगर आप लोगों को कोई नंबर वगैरह चाहिए, क्योंकि हम लोग भी गाइड करके आए हैं, उनका खुद पूरा सेटअप है, तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं या फिर मुझे इंस्टाग्राम में मैसेज कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का आईडी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, यहाँ कहीं फ्लैश हो रहा होगा तो मैं आपको डिटेल्स दे दूंगा। आप उसे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करके आपको यहाँ आके अपना कैंप बुक कर सकते हैं, तो कि हम जो कि आपको थोड़ा सस्ता भी पड़ेगा। यहाँ पे जो है बुरास के फूल लगे हुए हैं, बहुत सारे फूल हैं बुरास के। एज यू कैन सी जस्ट बिहाइंड मी, ये देखिए लाल लाल यहाँ पे दिख रहे होंगे, जूम करके दिखाता हूँ। ये जो सारे फूल लगे हुए हैं, बहुत सारे पेड़ लगे हुए हैं, जो ये बुरास के फूल है इनका जूस होता है, जो कि बहुत अच्छा माना जाता है हेल्थ के लिए। और ये जो बुरास का फूल है ये उत्तराखंड का स्टेट फ्लावर है, तो यहाँ का जो है राज्य पुष्प है बेसिकली, और यहाँ पे बहुत फेमस है। इसका जूस बनता है, कई सारी मेडिसिन में भी यूज़ होता है, तो इसका जूस काफ़ी अच्छा माना जाता है। अभी देखते हैं यहाँ पे अगर इन लोगों के पास अवेलेबल हुआ जूस, तो जूस ज़रूर यहाँ पे हम ट्राई करेंगे और हो सके तो लेके भी जाएंगे। तो अगर आप लोग आते हो तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आप इंजॉय कर सकते हो। नेचर व्यूज़ हैं बहुत अच्छे अच्छे, सामने पूरा नाग तिब्बा चोटी दिख रही है और पूरा पहाड़ है चारों ओर। सो हम लोग पहुँच गए अपने बेस कैंप पे। नमस्ते, होली की बधाई आपको। कैसे हैं आप? बढ़िया एकदम। ये है वो जगह जहाँ पे हम लोग टेंट पिच कर रहे हैं। जो हमारे साथ आए हुए हैं उन लोगों ने यहाँ पे टेंट पिच किया हुआ है और यहाँ पे सील टेंट निकाल रहा है। तो दोस्तों हम आए हैं दादी के घर में। दादी ने दाल बनाई है बढ़िया एकदम। ये पनीर हो रहे है। नहीं पनीर बने, नहीं चावल दाल खिलाओ, मैं पहाड़ी खाना खिलाओ एकदम। पहाड़ी खाना भी है? हाँ पहाड़ी खाना चाहिए। ये भी चाहे तो यूं भी खाओ। नहीं नहीं ये नहीं, नहीं, नहीं हमें पहाड़ी चाहिए यहाँ का। मैं तो अल्मोड़े से हूँ उत्तराखंड। हम कुमाऊनी थे, तुम गढ़वाली हुए। कितने टाइम हो गया आपको, कितने साल हो गए? पहले तो हमारा शुरू से ही। हमारा घर तो नीचे है। अच्छा पंतवारी में। यहाँ से तुम रोड से आई। और यहाँ हमारी खेती है। अच्छा अच्छा, तब हम खेती वेती देखने आ जाते हो कभी कभी? अब हम यहीं रहो। अब यहीं रहते हो? ठीक छोटे छोटे टूरिस्ट लोग आते हैं। हाँ बस एक किराए पर दे रखा। बढ़िया, बहुत ही बढ़िया कर रहा है। सो गाइस ये है एक प्रॉपर पहाड़ी घर, और जैसा कि आपने देखा अभी दादी लोग यहाँ पे खेती वेती है इनकी बहुत सारी। हालांकि ये लोग नीचे गोड गांव रहते हैं, तो अभी यहाँ पे खेती वेती है इनकी, इन्होंने अब यहीं रहने चालू कर दिया है। और यहाँ पे जितना भी टूरिस्ट वगैरह आता है उनको ये फूड वगैरह प्रोवाइड करते हैं, काफ़ी अच्छा है। सो गाइस अभी हम लोग यहाँ पे लंच करने वाले हैं, तो लंच में हम लोग खाएंगे ऑर्गेनिक दाल जो यहाँ पे इन्होंने उगाई हुई है अपने खेतों पे, और दाल और चावल खाएंगे। उसके बाद थोड़ा रेस्ट करेंगे और आसपास एक्सप्लोर करेंगे क्या क्या चीज़ें हम यहाँ पे आसपास देख सकते हैं। बढ़िया ना। बढ़िया बनाया एकदम। पनीर? पनीर नहीं, पनीर तो बहुत खाते हैं वहाँ। हमें चाहिए यहाँ का पहाड़ का खाना एकदम। जो मेन चीज है वो ये है कि ये खाना पूरा ऑर्गेनिक है, इन्होंने खुद खेतों पे उगाया हुआ है और उसके बाद खुद खेतों से उगा के यहाँ पे प्रॉपर चूल्हे पे बनाया हुआ है। चूल्हे पे बनाए हुए खाने का टेस्ट बहुत अलग होता है और एक बहुत अच्छा टेस्ट यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो मैं तो हाईली रिकमेंड करूंगा जब भी आप आते हो तो खाना वाना यहीं पे बिल्कुल आमा के वहाँ का खाओ। बुरास टी यहाँ पे इनका किचन है, यहाँ पे रहो। आमा बढ़िया खाना बनाती है एकदम जबरदस्त। ये लोग अपने हाथों से सिलबट्टे में पीस के नमक बनाते हैं, जैसे आप ये देखो कि नमक और मिर्च मिला के बनाया हुआ है, और इतना टेस्टी है आप यकीन नहीं मानोगे, मज़ा आ गया। मतलब लसलसादार, चटपटा, एकदम जबरदस्त, जायकेदार। और ये चीज़ आप ज़रूर ट्राई करें, कहीं भी किसी भी पहाड़ वाले एरिया में जाओ, स्पेशली उत्तराखंड कभी भी आओ आप, तो आप अगर किसी होम स्टे में रह रहे हो तो वहाँ पे पिसा हुआ नमक आप ज़रूर मांगे। पिसा हुआ नमक बहुत यहाँ का फेमस है, और भांग की चटनी और यहाँ के कई प्रकार के लोकल जो फूड होते हैं, जो लोकल इनका हमारा खाना होता है, वो ज़रूर एक बार ट्राई करें। सो गाइस लंच वगैरह करने के बाद हमने काफ़ी सारी गप्पे सप्पे मार ली है, और हमें यहाँ पे बहुत सारे ट्रैवलर्स भी मिले जो और लोग आए हुए हैं, तो काफ़ी ट्रैवल स्टोरीज वगैरह शेयर की, चाय वगैरह पी के। अभी हम लोग आ गए हैं सनसेट व्यू पे, और यहाँ से 360 व्यू आ रहा है, पूरा ज़बरदस्त नज़ारा है। और अभी हम बेस कैंप में हैं और यहाँ से इतना अच्छा सुंदर व्यू आ रहा है,
तो नाग तिब्बा जब हम समिट पर पहुँचेंगे तो कितना अमेजिंग व्यू होने वाला है। बहुत एक्साइटमेंट बढ़ गई है एकदम यहाँ का व्यू देख के कि वहाँ पहुँच के कितना मज़ा आने वाला है। आई होप कि क्लाउड्स वगैरह ज़्यादा ना हो तो सनसेट व्यू काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है कहते हैं यहाँ से। तो हम वेट कर रहे हैं सनसेट का और इन्जॉय कर रहे हैं यहाँ पे नेचर को। कहते हैं अगर आप लोग डेली सनराइज और सनसेट व्यू देख पा रहे हैं, इन्जॉय कर पा रहे हैं, तो आपसे लकी दुनिया में कोई नहीं है। जी हाँ दोस्तों, हमारी रोज़मर्रा की भाग दौड़ की ज़िंदगी में हमें ना सनराइज नसीब होता है ना सनसेट व्यू नसीब होता है। तो अगर आप लोग डेली देख पा रहे हैं तो इसका मतलब समझिए कि आपसे लकी दुनिया में कोई नहीं है। जी हाँ दोस्तों, अभी हम लोग भी सनसेट व्यू यहाँ पे एंजॉय करने के लिए बैठे हुए हैं। शांति से, बहुत शांति है। कुछ लोग बैठ के ध्यान कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, और कुछ लोग सिर्फ सनसेट व्यू के लिए एंजॉय कर रहे हैं, और कुछ लोग ट्राइपॉड में अपना सेटअप कर रहे हैं कि फोटोग्राफ्स अच्छी आए। और आप लोग भी सनसेट व्यू हमारे साथ एंजॉय करिए। तो गाइस सनसेट व्यू के बाद हम लोगों ने अभी डिनर स्टार्ट कर दिया है। तो प्लान ये है कि अभी हम डिनर करके थोड़ी देर बॉनफायर में बैठेंगे और जल्दी सो जाएंगे, बिकॉज हमें सुबह अर्ली मॉर्निंग उठना है 5 बजे के करीब। ट्राई करते हैं अगर उठ जाते हैं तो, अगर उठ गए तो हम ज़रूर जाएंगे और सुबह जाके अर्ली मॉर्निंग का जो व्यू होता है वो आपको ज़रूर। और इसी के साथ वीडियो भी ऐड करता हूँ और सर सुबह मॉर्निंग में आपको मिलता हूँ।